Dear student, now I am going to teach you the next paragraph of this lesson. Paragraph is being just denialize or unfear. Pinchot's demise was a big event. लेखक का कहना है कि राजा तट की मृत्यु एक बहुत बड़ी जो है घटना थी, इवन बाय रायल स्टैंडर्ड, ये राजसी परिणाम के द्वारा एक राष्ट्रीय परिणाम के द्वारा भी राजा तट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपने परिवार का जो है अंतिम सदस्य था। एंड ही फनरल वाज द डेथ रेटिंग ऑफ हिज डायनेस्टी, और उसके अंत्येष्ट क्रिया पे उसकी मृत्यु पर जो है ये राजसी परिवार की जो है मृत्यु जैसी एक राजसी परिवार की मृत्यु। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैच आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मृत्यु किस तरह से हुई था, उसका क्या परिणाम निकला, ये बात जो है स्पष्ट नहीं है। नाउ देख कर इंटरप्रिटेशन टू इंग्लिश, हियर द नरेटर टेल्स अस दैट बाय द रिजल्ट ऑफ रॉयल फैमिली द डेथ ऑफ किंग दट वाज एंड इवेंट विच वॉज वेरी बिग इवेंट, ही वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड हिज डेथ वॉज द सिंबल ऑफ डेथ ऑफ द रॉयल फैमिली। बट द क्वेश्चन इज हाउ डिड ही डाई एंड व्हाट वॉज इज द रिजल्ट, there is no any certainty about it. It is not clear. Now the 11th paragraph. I mean, who did her that father or grandfather was a powerful thorough? I mean, who did her जो थे वो तट के जो है पिता या दादा थे जो कि बहुत शक्तिशाली फराओ थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड एट द हाइट ऑफ द 18 डिनेस्टी गोल्डन एज, जिन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की उच्च सीमा पर लगभग 4 दशक तक शासन किया। हिज सन अमीनहोटेप जो था सक्सीडेड हिम, उनका पुत्र अमीनहोटेप उनका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड और उसने शुरू कर दिया वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, सबसे विचित्र क्षण इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में वो जो है सबसे विचित्र जो है वक्त का शुरुआत किया। द न्यू फरो प्रमोटेड द वार्शिप ऑफ द अटेन द सन डिश, नया फरो जो था वो
सूर्य चक्र की उपासना को बढ़ावा दिया। चेंज हिज नेम टू अखेनाथन, अपना नाम बदलकर अखेनाथन रख लिया। आर सर्वेंट ऑफ ईटन, अथवा ईटन का सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, अपने राजसी धार्मिक राज्य को, राजधानी को, अपनी धार्मिक राजधानी को जो है थेबिस के प्राचीन शहर से शिफ्ट कर दिया, जैसे अखेनाथन के नए शहर में शिफ्ट किया। नोन नाउ एज अमरन, जिसको कि अब जो है अमरन के नाम से जाना जाता है, अमरना कहा जाता है। ही फर्दर साग द कंट्री, आगे क्या किया उसने, अपने देश को एक चिंता में डाल दिया। कैसे? बाई अटैकिंग अमून, अमून पे आक्रमण करके वह अपने देशवासियों को एक चिंता में डाल दिया। मेजर गार्ड, जो कि बहुत बड़े देवता थे, इसमें सिंह ही जिमेज, उनकी प्रतिमा को मसल डाला। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिर को जो है बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, अवश्य ही यह बड़ा भयानक समय रहा होगा। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर लुक्सर, द साइट ऑफ एंशियंट थेबिस। द साइट ऑफ एंशियंट थेबिस मीन प्राचीन शहर थेबिस के स्थान पर लक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निर्देशक, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निर्देशक रे जॉनसन कहते हैं, द फैमिली दैट हैड रूल फॉर सेंचुरीज, माने वो परिवार जो शताब्दियों तक शासन किया, वाज कमिंग टू एन एंड, अब उसका अंत हो रहा। एंड देन अखेनाथन वेंट ए लिटिल वे की, और अखेनाथन भी थोड़ा सा धक्की या संकी हो गया। पैराग्राफ, वी आर टोल्ड दैट अमेनहोटेप थर्ड, द फादर आर ग्रैंड फादर ऑफ टर, वाज द मोस्ट पावरफुल फरो हू रोल्ड ऑन द एम्पायर फॉर नियर अबाउट 4 decades ऑन इस हाइएस्ट लिमिट द गोल्डन एज ऑफ द 18th century। हिज सन अमेनहोटु वाज हिज हायर, या बिकेम हिज हायर, एंड ही स्टार्टेड द स्ट्रेंज पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट इजिप्ट। द फर्स्ट वर्क ऑफ द न्यू फरो वाज टू प्रमोट द वार्शिप ऑफ संडिस। ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम अखेनाथन टू द सर्वेंट ऑफ ईटन। ही मूव हिज रिलीजियस कैपिटल, या ही मूव हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द सिटी ऑफ थेबिस टूवर्ड द सिटी ऑफ अखेनाथन, विच इज नोन एज अमराना नाउ। आफ्टर द टाइम बींग ही मेड हिज कंट्री मेन वरी, देन ही अटैक ऑन अमून हू आर द मेजर गार्ड, ही ब्रोक इन टू पीसेज हिज स्टेचू एंड क्लोज द टेम्पल। रियली दिस पीरियड मस्ट हैव बीन अ वेरी हाई पीरियड ऑफ दैट टाइम। इट इज सेड बाई
श्री जॉनसन हूँ आप डायरेक्टर ऑफ द शिकागो रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी इन लक्सर ही सेज द फैमिली इज रूल्ड फॉर सो मेनी डिकेड्स फॉर सो मेनी हंड्रेड पीरियड्स इज नाउ कमिंग टू बी इन नाउ इट इज नियर टू इन एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट अखेंटिंग हैड ऑल्सो बिकम फिकल माइंडेड. Now there is paragraph. After Akhenaten's death, Akhenaten ki mrityu ke baad, a mysterious ruler, a rahasyamay shasak jiska naam Ismin Khenhari tha, appeared briefly. Wo jo hai, thode samay ke liye jo hai, rahasyamay dhang se pratit hua. And accepted with hardly a trace, aur bina apna koi nishani chhode, phir gayab ho gaya. And then a very young Tutankhaten took the throne. तब एक नौजवान जिसका नाम Tutankhaten था वो सिंहासन ग्रहण किया. King Tut as he is widely known today. जिसको कि आज हम King Tut के नाम से जानते हैं. The boy king soon changed his name. ये लड़का जो राजा बना था तुरंत अपना नाम बदल दिया Tutankhamun. Tutankhamun जिसका मतलब है लिविंग इमेज ऑफ हमून की जीवित मूर्त अपना ये नाम रख. एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज तथा पुराने ढंग की पुनः स्थापना का जो है निरीक्षण किया. ही रेन फॉर अबाउट 9 years तो लगभग 9 वर्षों तक शासन करता. एंड रेन डाई अनएक्सपेक्टेडली तो बिना निरीक्षण किए ही मर गया. एक्सप्लेनेशन इनटू हाउ द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश हियर इन दिस पैराग्राफ द राइटर टेल्स अस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ अखेंटेन ए सीक्रेशियस रूलर ने इसमें खरे अपीयर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. ही डिड नॉट लीव एनी सिंबल बिहाइंड हिम एंड ही डिसअपीयर सडनली. आफ्टर दैट वेरी यंग Tutankhaten वेरी यंग बॉय नेम्ड Tutankhaten occupied the throne, who is known as King Tut today. This boy, this teenager, at once changed his name to Tutankhamun, which had the meaning of living age of the moon. He at once surveyed to bring back the earlier condition again. He reigned for near about 9 years. After that, he died suddenly. That's all.